व्हाट्सअप गाइस, यार आज की वीडियो में हम करने जाने वाले हैं ओर्टेगा मेथड से कुछ एग्जांपल सॉल्व्स। तो बने रहिए वीडियो के साथ और सबसे पहले कुछ स्क्रैम्बल करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ ब्लॉक नुमा कुछ मिल जाए जैसे कि ये, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक फेस बनाएं, आप लोग एक लेयर भी कंप्लीट कर सकते हैं कुछ इस तरह। क्योंकि अगर आप लोग लेयर बना लेंगे तो उम्मीद आप लोगों को OLL या PLL स्कीम मिल जाए। ये आप लोगों की लक पे डिपेंड करता है, अभी तो कुछ नहीं स्किप हुआ। लेकिन हो सकता है कि अगर आप लोगों को ऐसी सिचुएशन आए कि आप लोगों के पास ब्लॉक है कुछ इस किस्म का, तो आप लोग लेयर ही कंप्लीट करें किसी ना किसी तरह। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फिर ओर्टेगा मेथड यूज़ करें। लेकिन अगर स्क्रैम्बल इंतहाई ख़राब है, जैसा कि मैं करने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि अब आप लोग ये स्क्रैम्बल देख सकते हैं कि अब ये मैच नहीं है, तो ऐसे में आप लोग ओर्टेगा को यूज़ करें। और इसमें मैं क्या करने जाने वाला हूँ, ये दो ग्रीन पीसीज हैं और ये दो ग्रीन पीसीज पहले से ही मैच हैं, तो मैं ये करूँगा कि इसको F2 से नीचे अटैच कर दूँगा और आखिरी वाले को भी अंदर अटैच करूँगा। उसका अपोजिट ब्लू है ग्रीन का, OLL कम्प्लीट करूँगा। और अब ये मेरे पास टॉप लेयर सॉल्व वाली सिचुएशन आ गई है और बॉटम टीप पर मैं, जो कि मैं पिछले मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि आप लोगों ने किस तरह उसको रोटेशन लेस सॉल्व करना है। चलते हैं अगले सॉल्व की तरफ। हाँ, तो अगर इस स्क्रैम्बल की बात करूँ तो ये शायद कुछ लकी स्क्रैम्बल है, ये तीन पहले से ही है और एक आखिरी है ये वाला। तो इसको मैं किस तरह सॉल्व करने जा रहा हूँ ज़रा देखिएगा। इस पीस ने इधर आना है तो मैं इस पीस को इधर लाऊँगा, इस पीस को इससे मैच करूँगा नीचे। ये पीस ने इधर आना है तो इसको यहाँ ला के इसको और इसको मैच करूँगा और उनको नीचे। और अगर आप लोग गौर करें तो नीचे कोई भी बार नहीं मिली हमें। खैर, OLL उसका अपोजिट ब्लू कंप्लीट किया और PBL काफ़ी अच्छा केस था। खैर, बार क्योंकि कोई नहीं थी। अगला देखते हैं स्क्रैम्बल। तो ये स्क्रैम्बल काफ़ी अच्छा है, मज़ीद इसको स्क्रैम्बल करते हैं ताकि हमें कुछ ट्रिकी सिचुएशन मिले। आई थिंक ये ज़बरदस्त है, ये दो पहले से ही हैं सॉल्व, ये तीसरा। ये इस तरह मैं इसको बॉटम में करूँगा नीचे ऐसे, और ये आखिरी को मैं बैक में, ये है आखिरी ब्लू, इसको बैक में। तो ये सारा फेस बन गया, फ्रंट की तरफ हमें बार मिल गई जो कि अच्छी बात है। अपोजिट कलर ग्रीन उसको पूरा किया और अब हमें दो बार्स मिल गई हैं, जिसका एल्गोरिथम बहुत मज़ेदार है। और AUF तीसरे स्क्रैम्बल की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अगर इस स्क्रैम्बल की बात कीजिए तो ज़बरदस्त, ये रेड को मैं इससे अटैच करूँगा और अब इसको यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये हमारा फेस बन गया। बार को फ्रंट पे रखेंगे हम, ऑरेंज होता है रेड के अपोजिट, उसको OLL कंप्लीट किया और ये दोबारा बार बार वाला केस और ये सॉल्व। तीसरा स्क्रैम्बल, चौथा स्क्रैम्बल करते हैं और देखते हैं कि अब कैसा केस आता है। तो रेड है रेड, इसको इसके साथ अटैच करूँगा और आखिरी ये है रेड। अगर आप लोग देखें तो इसको ऐसे बैक में इंसर्ट करूँगा जिससे हमारा एक फेस बन गया और ये है हमारी बार बैक की साइड पे। रेड के अपोजिट ऑरेंज होता है, OLL कंप्लीट करूँगा और बार हमें रोटेशन लेकर बार बार वाला केस है, इसको हम कर लेंगे इस तरह सॉल्व। और U2AUF आखिरी एग्जाम्पल सॉल्व की बात कर लेते हैं। ये येलो है और इस पीस को मैं यहाँ लाने से पहले इस पीस को देखा है कि ये ज़रा थोड़ा मुश्किल से मुझसे शायद ऐड हो बाद में, तो मैं पहले ही इसको इससे अटैच करूँगा और इन दोनों को अंदर। ठीक है, बार हमें कोई नहीं मिली, येलो का अपोजिट वाइट, इसको इस तरह। और अब हम देखेंगे एक बार हमें ऊपर मिल गई है और अपना एल्गोरिथम लगाएंगे, एक बार वाला जो है, सॉरी कहाँ यार क्या ये, और ये सॉल्व। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ीद कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कुछ ना कुछ आप लोगों को पता लगा होगा कि किस तरह हम पहला फेज़ को कुछ एफिशिएंट बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ 6 एग्जांपल सॉल्व्स थी, इसमें इतना कुछ तो बता नहीं सकता, लेकिन जितना मैं बता सकता था इस पूरी सीरीज़ में बताया। आप लोग ये A to Z सीरीज़ देखोगे तो काफ़ी टिप्स आई थिंक आप लोग इकट्ठी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40 मिनट की सीरीज़ है, 6 वीडियोज़ हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर 2x2 के बारे में कोई एवरेज नॉलेज आप लोग चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टिप्स मैंने पिछली वीडियोस में शेयर की हैं जिससे आप लोग 2x2 पे कम से कम 5 to 6 सेकंड्स एवरेज बहुत इजीली आप लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत इजीली। खैर, अब इस सीरीज़ और इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। और जाने से पहले मैं जो जो कहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली सीरीज़ में। गुड बाय।